हरे कृष्णा। तो हमें बोला जाता है कि रामायण पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, तो उसे पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलता है? तो एक्चुअली ये जितने भी हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं ना, उसमें एक एक कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उनसे हम सीख सकते हैं, भगवान कृष्ण के आचरण से हम सीख सकते हैं। तो आज हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं महाभारत के एक कैरेक्टर जो कि धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? एक्चुअली जब दुर्योधन को जन्म हुआ था, उसी टाइम विदुर ने उनको बोला था धृतराष्ट्र को कि देखो, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये तुम्हारा पूरे वंश के नाश के कारण बन सकता है, अभी इसको मार दो, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र जो था, पुत्र मोह में इतना मोहित था, उसने अपने सलाहकार का बात माना नहीं, है ना। तो वो बस आँख से ही अंधा नहीं था, वो अपना चेतना से भी अंधा था, है? इतना अटैच था पुत्र, वो आँख से अंधे होने बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेतना से अंधा होना बहुत बड़ी बात है। तो हम आज के इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे धृतराष्ट्र के लाइफ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ जहाँ पर विदुर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि नहीं, तुम्हारा बेटा जो है गलत करा, दुर्योधन गलत करा, पांडव की हिंसा दे दो, फिर वो माना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि धृतराष्ट्र जो था, वो सलाह लेने के लिए विदुर के पास जाता था, लेकिन सलाह लेने के बाद उसका बात को मानता नहीं था। तो फिर वो सलाह लेने के लिए क्यों जाता था, है ना? वो बस वो सिंपैथी चाहता था, है ना, कि अरे अरे ऐसा हो गया, हमको कोई ऐसे ऐसे सलाह है ना। तो ये जो है ना, हमारे अंदर भी रहता है, है ना। ये जो धृतराष्ट्र वाला जो गुण है, हमारे अंदर भी रहता है। हमें बोलते हैं प्रभु जी कुछ सेवा होगा तो बताइएगा, है ना, बस हम फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं। लेकिन प्रभु जी जी हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। जो हमारे काउंसलर हुए, जो हमारे मेंटर हुए हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हुए हैं, या फिर जो हमारे दीक्षा गुरु हुए हैं ना, या फिर हमारे टीचर ही हुए हैं ना, जो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और फिर बाद में हम लोग ठोकर खाते हैं। ठोकर खाने के बाद फिर से हम उन्हीं के पास जाते हैं, बोलते प्रभु जी ये तो ऐसे कष्ट आया, लेकिन वो इतने कृपालु होते, फिर से बोलते ठीक है वो कष्ट आया, लेकिन अभी भी सुधार लो, है ना, अभी सुधार लो, इस चीज़ को हटाओ, है ना, ये बैड हैबिट है ना। फिर भी हम लोग उसको पालन नहीं करते हैं ना, फिर बार बार मिस्टेक करते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, बस सिंपैथी के लिए ना। एक्चुअली हम किसी चीज़ से इतना अटैच रहते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन को जस्ट इग्नोर करते रहते हैं कि वो अटैचमेंट हमें छूटता नहीं है। तो जब तक हमें अटैचमेंट नहीं छूटेगा, तब तक हम एडवांस नहीं करेंगे। वो हमारा कंडीशन धृतराष्ट्र जैसा ही रहेगा, वो एक अटैचमेंट हमारा जो है स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा ख़त्म कर देगा, जैसे उसका एक अटैचमेंट अपने पुत्र मुँह में पूरा वंश को ख़त्म कर दिया है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमें जब भी अपना गुरु, काउंसलर या शिक्षा गुरु कोई भी इंस्ट्रक्ट करता है, हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ही करता है ना, तो इस चीज़ पे हमें पूरा फेथ होना चाहिए। और इनको इंस्ट्रक्शन को पेनफुल होगा, हाँ, कष्टदायक होगा, लेकिन फिर भी पालन करना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। हरे बोल, हरे कृष्णा।